यार बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, और वो भी आधा ही सर दिख रहा है। माइग्रेन जैसा फील हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या करूं। अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है। आज हम जो दवाई के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल, जिसका फॉर्मेशन रहता है अश्वगंधा कैप्सूल, जो फैटिक एंजाइटी साथ ही साथ माइग्रेन में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो आज हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे अबाउट दी डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल, उसके फायदे क्या है, उसका सही डोज क्या है और उसकी साइड इफेक्ट क्या है। अगर आप डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल ले रहे हो तो कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवान सोलंगी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल में कंटेंट रहता है ड्राई रूट्स ऑफ अश्वगंधा, वो रहता है 300 मिलीग्राम। अश्वगंधा एक एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो इसकी वजह से ये आपकी बॉडी में न्यूरो प्रोटेक्टिव यानी कि ब्रेन के रिगार्डिंग जो सारी बीमारियां है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल की MRP है 75 रुपीज, जिसमें आती है 10 कैप्सूल, और ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। अब हम जानते हैं डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल के फायदे क्या है। जैसा कि नाम सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल स्ट्रेस यानी कि चिंता कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बातों से वो परेशान रहता हो या उसकी वजह से वो कंफ्यूज रहता हो, तो उसको ये दवाई दी जाती है। सिर दर्द यानी कि बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा हो और उसमें भी माइग्रेन की बीमारी हो तो भी उसको वो दवाई दी जाती है। साथ ही साथ कोई पर्सन को रात को नींद नहीं आ रही हो तो भी वो डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकता है। शारीरिक कमजोरी रहती हो बॉडी में, वो फिजिकली रहती हो साथ मेंटली, तो उसमें भी डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम जानते हैं डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल क्या, डोज क्या है। डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उस हिसाब से आप इसका डोज कम्प्लीट कर सकते हो, लेकिन उसका जो रेगुलर डोज रहता है वो रहता है 1 से 2 महीने तक, और डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल का आप मिनिमम 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम जानते हैं डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो इसमें बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जिसमें एसिडिटी, आपके स्टमक में बहुत ही ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, आपकी जो पाचन क्रिया है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल की आपको आदत नहीं लगती। अब हम जानते हैं अगर आप डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा कि क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि कोई पर्सन को बहुत ही ज्यादा हैवी स्ट्रेस हो रहा, बहुत ही ज्यादा तनाव महसूस कर रहा हो, तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है, क्योंकि डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल नॉर्मल स्ट्रेस में, चिंता में इस्तेमाल होती है, क्रॉनिक स्ट्रेस में इस्तेमाल नहीं होती। काफी सारे लोग डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इसमें काम नहीं आती, क्योंकि इसमें अश्वगंधा का लेवल जो है, अमाउंट है, वो बहुत ही कम रहता है, 300 मिलीग्राम। काफी सारे युवाओं में डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल का जो इस्तेमाल होने की वजह से सेक्सुअल मूड है वो बहुत ही ज्यादा सुधार देखा जाता है, लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये थी डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल की बेनिफिट्स, उसके साइड इफेक्ट के बारे में जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान ले। थैंक यू।